नमस्ते जी। मर्दों में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे सेक्सुअल हार्मोन भी कहते हैं। मर्द की खूबसूरती, एक मर्द के शरीर में कितना बल है, स्टैमिना है, ये सब उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल से पता चलता है। इस हार्मोन के बारे में हर इंसान जानता है और इसे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ लोग इसके लिए मार्केट में बिकने वाली गोलियां और पाउडर का भी सेवन करते हैं, लेकिन दोस्त इस बात को समझो कि वो सभी पदार्थ कचरा होते हैं, सिर्फ कचरा, जब तक आप खुद कोई कदम नहीं बढ़ाते आयुर्वेद की ओर। आयुर्वेदिक पुराणों में मनुष्य की पूरी जीवन शैली का ज्ञान दिया गया है और इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने वाला शख्स हमेशा एक बेहतर ज़िंदगी जीता है। कोई इंसान कितना अट्रैक्टिव दिखता है ये डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पर। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत कम उम्र में दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, शरीर बड़ा बन जाता है, मजबूत दिखने लगता है, आवाज़ भारी हो जाती है, तो वहीं कुछ लोगों में ऐसा होता है कि शादी की उम्र हो जाने के बाद भी दाढ़ी के नाम पर मतलब छोटे से मतलब सहज से बाल आ जाते हैं और भाई शरीर कमज़ोर होता है, स्टैमिना कम होता है, ताकत कम होती है। जिन भी लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है वो अक्सर उनके चेहरे पर तेज नहीं होता, कमज़ोर मसल्स, लो स्टैमिना वो फील करते हैं। इसी वजह से हर कोई इसे अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है हार्मोन को। खैर इन सब से मतलब हमें इतना तो खैर पता चली जाता है कि टेस्टोस्टेरोन मसल्स वाकई में हमारी मसल्स के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसको बढ़ाना कैसे है। तो इसी पर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तीन ऐसे योग के बारे में जिससे आप अपने शरीर के अंदर ही सेक्सुअल हार्मोन कहे जाने वाले टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे और खुद को आकर्षित बना लेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये योग। सबसे पहला है कुंभकासन। इस योग को आपको कुछ इस तरह करना है। सबसे पहले आपको पेट को जमीन पर चिपकाते हुए सपाट लेट जाना है। आप एकदम आराम से पेट के बल लेटे रहें बिल्कुल, ठीक है। ठीक उसके बाद आपको अपने पंजों को जमीन पर रखते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। आप धीरे धीरे अपने कुल्हों और जांघों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लें, मतलब पुशअप वाली पोजिशन में आ जाना है। और ठीक इसी पोजिशन में आपको गहरी सांस लेनी है, सांस भर लेनी है। अगले 30 सेकेंड तक ऐसे ही रहे, होल्ड रखे ऐसे ही, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इसके 2 से 4 सेट लगा सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल प्लैंक की तरह, जैसे प्लैंक एक्सरसाइज लगाते हैं ना, वैसे ही आपको होल्ड रहना है। इससे आपका पूरा जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाता है और आपके एब्स को बहुत मजबूती मिलती है, थोड़े बहुत एब्स भी ग्रो होंगे। इससे आपके सेक्सुअल ऑर्गन पर भी एक पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है और इस योग को लगातार करने से बॉडी में एक नई जान आ जाती है, बॉडी बिल्कुल लोहा बन जाती है। इससे बॉडी मूवमेंट भी अच्छा होता है, पोस्चर सुधरता है, मतलब चलने का जो होता है वो सही होता है। तो भाई ये बहुत पावरफुल योग है, ये आप कर सकते हैं। अब बात करूँगा दूसरे योग की, धनुरासन। दोस्त इस आसन को करने के लिए पेट को नीचे यानी जमीन की ओर करके सपाट लेटना है, फिर अपने दोनों पैरों को कुछ इंच की दूरी पर रखें और शरीर के बगल में रहने दें। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए शरीर के करीब लाएं और दोनों हाथों से इसे कस कर पकड़ें। अपने दोनों हाथों को अपने टांगों से मतलब बिल्कुल कस कर पकड़ लें। फिर इसके बाद धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए धड़ और छाती को जमीन से ऊपर उठाएं और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखों से मतलब आंखें आपकी जो है वो सीधी होनी चाहिए, आपको सीधे देखना है। ठीक इसी पोज में आपको अगले 30 सेकंड तक रहना है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब ये 30 सेकंड पूरा हो जाए तो भाई धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी पोजीशन में वापस आ जाना है। दोस्त इस योग को करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल तो बूस्ट होता ही है, इसके साथ ही साथ हमें कुछ और भी शानदार फायदे मिलते हैं, जैसे कि पीठ मजबूत हो जाएगी, आपकी चेस्ट की जो शेप है वो बहुत अच्छी होगी, बैक स्ट्रॉन्ग होगी, ऑटोमेटिकली हमारा पोस्चर इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इससे पेट के मसल्स मजबूत होते हैं, किडनी और गुर्दों से संबंधित समस्या खत्म होती है और ये प्रजनन अंगों को भी उत्तेजित करता है जिससे सेक्सुअल हार्मोन बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे योग की। तीसरा योग है उत्तान पादासन। इस आसन को करने के लिए आपको अपने पीठ के बल जमीन पर सपाट लेट जाना है, फिर अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से चिपका लेना है और फिर दोनों पैर एक साथ रहने चाहिए आपके। ठीक उसके बाद गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाना है। शुरुआत में इसे जमीन से 30 डिग्री के एंगल पर उठाए रखना है और फिर इसे 60 डिग्री तक ले जाना है और फिर 90 डिग्री तक, यानी कि आपको फुल स्ट्रेट पोज में पैर को ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे कर लेने हैं, ठीक उसी तरह जैसा आप इमेज में देख रहे हो, अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 20 सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। इसको करने से पेट की चर्बी कम होती है, डाइजेशन जैसी समस्या भी खत्म होती है और इसी आसन से एब्स जो है आपके सिक्स पैक एब्स वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसके अलावा बॉडी इसके मतलब अंदर से भी मजबूत होगी आपकी और इन तीनों योग से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत बढ़ता है और इससे हर मर्द अपनी ज़िंदगी में बिना किसी गुप्त दोष और सेक्सुअल तनाव के जीता है, ठीक है।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस पर चाहिए नीचे कमेंट करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी, हर हर महादेव।